जी देखो जी, एक पासे तो सरकार गल्लां करदी है कि अपने धियां भैणां नूं मामां नूं इज्जत दिओ, दूजे पासे घसीट घसीट के जेल च सुट्टदी है। दूजे पासे कहिंदी साडा बाहर दुनिया जाके ना होवे, दुनिया च असीं ना करदे आ, इह सानूं खिच खिच के जेलां सुट्टदी है। एक पासे तो मोदी सरकार कहिंदी असीं थोड़ा मान सम्मान करांगे, थोड़े इनाम देवांगे, तुहानू इन्ने लख दा इनाम मिलेगा, दूजे पासे चक के अंदर सुट्टदी है। इहदे च कहिड़ा इंसाफ होया साडे नाल जी? एक थां तुसीं कहिंदे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो दूजा तुसीं जिन्हां दे उत्ते एलीगेशनस लग रहे ने तुसीं उन्हां नूं इनवाइट कर रहे हो संसद दे उद्घाटन दे विच, दूजे पासे तुसीं लेडीज़ नूं बच्चियां नूं चक चक के गड्डियां च सुट रहे हो। तुसीं देखो कि एक बॉडी बिल्डर या एक एथलीट एक रेसलर बनता किद्दां, ठीक है, जिस टाइम बच्चे खेड रहे होंदे ने यह मिट्टी नाल मिट्टी हो रहे होंदे ने, यह लोहे नाल मत्था लै रहे होंदे ने। देखो जी, एक पासे तो सरकार गल्लां करदी है कि अपने धियां भैणां नूं मामां नूं इज्जत दिओ, दूजे पासे उहनूं घसीट घसीट के जेल च सुट्टदी है। इहदे किहड़ा इनसाफ होया इहदे च? दूजे पासे कहिंदी साडा बाहर दुनिया च जाके ना होवे, दुनिया च असीं ना करदे आ, इह सानूं खिच खिच के जेलां सुट्टदी है, इहदे च तां कोई इनसाफ नहीं है। सानूं इनसाफ मिलना चाहिदा, बिरजीपुर सिंह सरन सिंह दे खिलाफ उहनूं चक के अंदर करो ते साडी महिलावां नूं इनसाफ दिओ जी। सवेरे 3 बजे उठदे आ, कोई 2:30 बजे उठदा पहलवान, मेहनत करदा दुनिया च ना करन वास्ते वी साडा ना होवे, इह कहिंदे उद्घाटन हो रहा, पाठ पूजा हो रही है, उस पूजा का कोई फायदा ही नहीं होया, जब साडे खड़ाई इंसाफ नहीं मिलता उस पूजा का क्या फायदा? वो तो एक लोक थावा हो गया जी, असीं पूजा करते हैं आ कर देंगे असीं वह कर देंगे, साडे खिलाड़ियों का जो इंसाफ होगा ना असीं उन्हूं असली इंसाफ मन्नांगे। असीं मोदी सरकार की सख्त शब्दां दी निंदा करते हैं जी, यह तो कोई इंसाफ वाली गल नहीं हुई जी। पहली गल, एक थां तुसीं कहिंदे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो दूजा तुसीं जिन्हां दे उत्ते एलीगेशनस लग रहे ने तुसीं उन्हां नूं इनवाइट कर रहे हो संसद दे उद्घाटन दे विच, ठीक है जी, एक पासे तुसीं उन्हां नूं इनवाइट कर रहे हो, दूजे पासे तुसीं लेडीज़ नूं बच्चियां नूं चक चक के गड्डियां च सुट रहे हो, ठीक है, ये कोई थोड़ा एक तरफा बयान नहीं होया, ठीक है। तुसीं कितने कुछ कहने हो, कितने जाके कुछ होर कहने हो, ठीक है। तुसीं देखो कि एक बॉडी बिल्डर या एक एथलीट एक रेसलर बनता किद्दां, ठीक है, जिस टाइम बच्चे खेड रहे होंदे ने यह मिट्टी नाल मिट्टी हो रहे होंदे ने, यह लोहे नाल मत्था लै रहे होंदे ने, ठीक है, अपना सुख चैन छड के सवेरे 4 बजे उठना, अपना प्रैक्टिस करना, सारा कुछ करना, तो उस तो बाद इंडिया नूं अपना वर्ल्ड के सामने जाके रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है जी, इन्ना कुछ करते हैं तो एंड च उन्होंने मिलता की है, ठीक है। लेडीज़ अनसेफ फील कर रही ने, लेडीज़ नूं जे अपने सुपीरियर्स तो डर लगता, एक प्लेयर है वो अपने देश का नाम रोशन करने लिए बाहर जा रहा है, लेकिन वो अपने जिहड़े नाल दे बंदे ने उन्हां तों ही डर रही है, तो तुसीं आप सोच सकते हो कि वो लेडीज़ या अपना जो सिस्टम है वो कित्थे स्टैंड कर रहा है। सिस्टम के अंदर दो चीज़ों की कमी है, पहली गल मैनेजमेंट तो दूजी सिस्टम, पूरा सिस्टम ही खराब है, सिस्टम के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है जी। तुसीं एक ऐसे इंसान की सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस दे उत्ते इन्ने केसिस चल रहे हैं, ठीक है, वो इंसान दे उत्ते 7-8 दिन हो गए एक FIR नहीं दर्ज हुई, बट जदों गल आ जाती है प्लेयर्स से, प्लेयर्स नूं चक के तुसीं 1 दिन के अंदर अंदर उत्थे उद्घाटन के टाइम तुसीं चक के उन्होंने जेल सुटिया, 5-6 घंटे च उन्होंने FIR कर इन्ने धारावं लाइया ने, तुसीं पार्शियलिटी कर रहे हो प्लेयर्स के नाल। तुहानूं की लगता है कि आने वाले टाइम कोई प्लेयर निकलेगा? नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं आएगा। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ खराब करके, पूरा बचपन तो लैके जवानी तक काम करके, अपने उत्ते मेहनत करके, दिन रात एक करके प्लेयर बनता है, उस तो बाद उन्होंने आह चीज़ होएगी तो कोई भी अगे आने वाला कोई प्लेयर आएगा ही नहीं सामने।